डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, और इसका हम एक पार्ट ले लेंगे हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और इंट्रोडक्शन में हम कुछ प्रीवियस नॉलेज के बारे में हम पढ़ेंगे और कुछ इंट्रोडक्शन देंगे कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। व्हाट इज जियोमेट्री? जियो मीन्स, जियो मीन्स लैंड एंड मैट्री मीन्स मेजरमेंट। जियो का मतलब है लैंड और मैट्री का मीन्स है मेजरमेंट। तो जियोमेट्री जो है इससे क्या मतलब निकलता है कि जमीन को नापना या मेजरमेंट ऑफ ए लैंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ए प्लेन फिगर। एक हमारे पास प्लेन फिगर है, चाहे ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, उसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो अभी ये एरिया हमें किस काम आता है? एरिया से हमें ये पता चलता है कि एक क्लोज्ड फिगर अगर है, मान के चलो हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो इसके अंदर जो है ये लैंड कितनी है, उसके लिए हमें एरिया निकालना पड़ता है। या ये ट्रायंगल जो है तीनों तीन हिस्सों में या इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, उसके लिए भी हमें एरिया चाहिए। मान के चलो मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, एक मिसाल दूंगा कि एक राजू किसान है, उसके तीन बेटे हैं, एक बेटी और दो बेटे, और उनको ये एरिया जो है बराबर इक्वल पार्ट्स में उन बेटों में इस राजू किसान ने बांटना है। तो उसके पास तो कोई एरिया निकालने का कोई फार्मूला नहीं है कि ये जमीन जो है ये कितनी है। तो वो क्या करता है कि वो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां से एक कट मारता है और दूसरा कट यहां से मारता है, और ये एक बेटे को देता है, ये दूसरे को और ये तीसरे को। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये तीनों पार्ट्स जो हैं इक्वल हैं? तो हमारा आंसर होगा यस और नो। हम यस भी, कुछ बच्चे जो हैं वो हाँ भी बोलेंगे और कुछ बच्चे जो हैं ना भी बोलेंगे, लेकिन एग्जैक्टली ये इक्वल नहीं होंगे। और इसी चीज को निकालने के लिए हमें एरिया की जरूरत पड़ती है। जब हमारे पास एरिया निकल जाएगा और फिर उसको हम डिवाइड इक्वल पार्ट्स में हम उसको कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग द प्लेन फिगर। हमारे पास ये प्लेन फिगर है, इसको नापने के लिए हमारा क्या यूनिट होगा? हम हाथ के हथेलियों से नापेंगे उसको, किसी रस्सी से नापेंगे, या हमारे पास घर में कोई अपने हाइट के बराबर का कोई धागा रखा हुआ है, कोई रस्सी रखी हुई है, क्या उससे नापेंगे? नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरा हाथ या मेरी मेरा हाथ जो है या मेरी हाइट जो है वो दूसरे लोगों से डिफरेंट है। इसलिए हम इसके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है जो सब में अप्लाई होता है, और उस यूनिट को यूज करके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई छोटी सी प्लेन फिगर है तो उसको हम स्क्वेयर यूनिट्स में, हम हमेशा जो है स्क्वेयर यूनिट्स में इसको निकालते हैं। तो मान के चलो छोटा यूनिट है हमारा, तो उसको छोटा यूनिट हमारा तो उसको सेंटीमीटर में निकालेंगे, और अगर उससे थोड़ा बड़ा है तो मीटर में निकालेंगे, और अगर उससे भी बड़ा है तो किलोमीटर स्क्वेयर्स में निकालेंगे। तो ये सारा हमेशा स्क्वेयर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर कांग्रेंट फिगर्स। कांग्रेंट फिगर्स किसे
कहते हैं। आप देख रहे हैं कि ये दो फिगर्स हैं, इसका नाम हम ए रख लें और इसका नाम हम बी रख लें। और अगर ये फिगर जो हैं एग्जैक्टली इस फिगर के बराबर ऊपर बैठ जाती है तो ये दोनों फिगर्स जो हैं कांग्रुएंट है, ये दोनों फिगर्स कांग्रुएंट है। और इसका फिर आप बताइए कि फिर इसका एरिया का क्या होगा, क्या इसका एरिया भी बराबर होगा? यस, इसका एरिया भी बराबर होगा। अगर ये बिल्कुल इसके ऊपर बैठ जाएगी तो उसका एरिया भी बराबर होगा। मान के जैसे आपके पास एक इंग्लिश की कॉपी है, नोटबुक है, और दूसरी मैथ की नोटबुक है। उस इंग्लिश की नोटबुक को मैथ की नोटबुक के बराबर अगर रखेंगे तो अगर बराबर इनका जो साइड्स हैं वो बराबर उनके ऊपर बैठ जाएंगे, इसका मतलब ये दोनों वो दोनों नोटबुक्स क्या हैं, कांग्रुएंट है। इसी तरह से ये दोनों फिगर्स कांग्रुएंट है और इनका एरिया भी सेम है, इनका एरिया सेम निकलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, आर द फिगर्स विद द सेम एरिया आर कांग्रुएंट। अब इसका उलट करना है कि ये कांग्रुएंट है और इनका एरिया सेम है। अब यहां पर दो फिगर से एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है, इसका इसकी ब्रेथ जो है वो 4 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ जो है वो है 9 सेंटीमीटर और ये स्क्वायर जो है वो 6 सेंटीमीटर का है, सभी साइड्स बराबर है और इसका एरिया जो है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर और इसका भी 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या ये कांग्रुएंट है? क्या ये दोनों फिगर्स को हम कांग्रुएंट बोल सकते हैं? आप क्या कहते हो? यस, आपने सही सोचा, ये कांग्रुएंट नहीं है क्योंकि ये फिगर जो है एग्जैक्टली इसके ऊपर नहीं बैठती है, इसमें एजेस जो हैं अलग अलग दूर दूर रहेंगी, इसलिए ये दोनों फिगर्स जो हैं कांग्रुएंट नहीं हैं। अब हमारे पास यहाँ पर दो डिफरेंट फिगर्स हैं, या ये जो हैं आपस में कैंग्रेंट नहीं है, और इसी तरह से हमारे पास एक फिगर यहाँ पर और है। तो इस फिगर को हम गौर से देखते हैं, तो यहाँ पर ये जो फिगर है इसका अगर एरिया निकालना हो, मान के चलो इसका नाम जो है डी रखते हैं इस पूरी फिगर का, और इसका अगर एरिया निकालना हो तो एग्जैक्टली एक ही फार्मूले से हम इसका एरिया निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इसका ये वाला एरिया जो ब्लैक शेडेड एरिया है ये डिफरेंट शेप में है, और ये वाला एरिया जो है डिफरेंट शेप में है, इसलिए इसको एक ही फार्मूले से नहीं निकाल सकते, इसमें डिफरेंट फार्मूलेज लगाने पड़ेंगे। जैसे मैं इसका नाम रखता हूँ पी एरिया और इसका नाम रखता हूं मैं क्यू एरिया, तो इसका एरिया अगर निकालना होगा तो कोई एक फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। जैसे हमने पीछे हमने बहुत सारे प्लेन फिगर्स का एरिया निकाला, जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, इन सब का एरिया हमने एक ही फार्मूले से निकाला था, लेकिन यहां पर हमने इसका अलग से फार्मूला एरिया निकालना है और इसका अलग से एरिया निकालना है। जैसे फिगर पी का एरिया निकालना है और फिर प्लस एरिया ऑफ फिगर क्यू एंड दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर टी। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पूरे